तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एकदम सर्दी से हालत खराब है, फिर भी ये चौथा मौत बीमार का तो कुछ नहीं चौसता है। ये बस मौसम चेंज हो रहा है ना, ऐसा बीमार आता जाता रहता है। तो आज आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा म्याओ। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग्स पे, चलिए आज थोड़ा म्याओ घूम के आता है अंदर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से पढ़ने से आपको शॉर्टकट है दोस्तों, दायुन से, दायुन के पीछे तरफ से होते हुए आपको जाना है मानाभूम, और रास्ते में तांगसा सिंपो बस्ती कुछ कुछ मिलेगा। आप दायुन से तांगसा के थ्रू होके जाने से तो महादेवपुर ऐसे होके जाने से बहुत लंबा है म्याओ, लेकिन आप यहाँ से दायुन से होते हुए, दायुन के बैक साइड से होते हुए मोतीपुर होते हुए अगर जाने से, मोतीपुर मानाभूम होते हुए जाने से आपको यहाँ में आधा घंटे का अंदर आप पहुंच जाएगा म्याओ। तो वही रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। Thank you.
ये है हाई सेकेंडरी स्कूल, बहुत सुंदर है। तो हिरन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये म्याओ का अंदर में है। देखिए दुनिया भर का हिरन है। चौथा बच्चा भी है, बड़ा भी है। वाह, अब चलो दोस्तों थोड़ा मियाओ टाउन का तरफ घुमा जाए। हेलो जी दोस्तों, वेलकम गेट, वेलकम टू म्याओ। यहां से आप सीधा म्याओ बाजार के अंदर घुसेगा। देखिए वेलकम गेट, चलिए अंदर घुसता है। दुकान लोग अभी तक ठीक से नहीं खुला है। ये है म्याओ बाजार, चौथा सा है। हाशीगंज का मेवा बाजार जितना है बड़ा म्याओ, लेकिन बहुत ही पुराना टाउन है। देखिए अभी सुबह का 8 बज रहा है, खुला नहीं है ठीक से सब दुकान।
वाह कितना सुंदर है, एकदम प्रेस प्रेस हो गया। तो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो, कुछ ऑफिशियल काम से आया था म्याओ, बाजार तरफ भी गया, आप लोगों को बाजार भी दिखाया, लेकिन सुबह का वक्त है ना इसलिए सारा दुकान एकदम बंद पड़ा यार। तो बाद में खुलेगा होगा, अगर समय मिलेगा तो बाद में और एक तो बनाएगा एक वीडियो। तो बस अभी के लिए इतना मैं समाप्त करने जा रहा हूँ इस ब्लॉग्स को। तो आप लोग से मैं बहुत जल्द फिर मुलाकात करूंगा दोस्तों एक नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए और एकदम फिट रहिए, और अपने इस छोटा सा लाइफ को फुल इंजॉयमेंट का साथ एकदम मजा से बिता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।